की तौहीन है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर चड्डा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ऑर्डर ऑर्डर। जब तक ये अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बर्खास्त नहीं होगी। पापा, इससे ज्यादा बात मत करो, बहुत सवाल पूछता है पापा। बैठ। कहाँ बैठूं सर, सोफे पे या कुर्सी पे? सर कुर्सी पे। सॉरी सर, बहुत सारी कुर्सियां हैं। कौन सी कुर्सी पर, लेफ्ट या राइट सर? लेफ्ट वाली। सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? सर आओ, मैंने मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर यहाँ, इधर इस कुर्सी पर। सॉरी सर, डोंट गेट मी रॉन्ग, थोड़ी जल्दी में हूँ, एक और काम खत्म करना है। मतलब इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलाज, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में ये कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्डा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली, नहीं तो उसी दिन मिलाड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, आप फिर से तारीख दे देंगे। और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा, और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलाड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलाड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गढ़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इनकट घरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर।